गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका श्री सुंदरम अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी करंट अफेयर्स की एक सीरीज चल रही है, जहां पे हमने पिछले वीडियोस में जनवरी मंथ के जो सबसे इंपॉर्टेंट 200 क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के, उसको डिस्कस किया था। तो उसी कड़ी में आज फरवरी मंथ के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका डिस्कशन शुरू किया जा रहा है। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। तो ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं चंपाई सोरेन। ओके, अगला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत की कौन सी रैंक है? तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की जो रैंक है वो है कौन सी? सी, मतलब कि 93। ओके, तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा जो प्रस्तुत किया जाता है, तो इसमें जो भारत की रैंक आई कितनी है? 93। तो आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार अभी भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलें, तो एशियाई क्रिकेट काउंसिल के लगातार जो तीसरे बार सदस्य या फिर कहें कि प्रेसिडेंट बने हैं, कौन बने हैं? बने हैं अपने जयशाह के बारे में आप सब जानते हैं कि बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी, बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, और इन्हीं को क्या बनाया गया है, जो एशियाई क्रिकेट काउंसिल है उसी का लगातार तीसरा बार अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चले, भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है 1 फरवरी को। ठीक है, चलिए, तो ये क्लियर हुआ कि तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को। अगले क्वेश्चन में चलें, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, सुल्तान इब्राहिम किस देश के राजा बने हैं? तो सुल्तान इब्राहिम बने हैं मलेशिया के राजा। तो मलेशिया आप जानते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाने वाला एक देश है, जिसकी राजधानी जो है कुआला लामपुर है। ठीक है, तो यहाँ के जो राजा बने कौन बने? सुल्तान इब्राहिम। ओके, अगले क्वेश्चन में चलें, क्वेश्चन नंबर 6, इंसानों में पहली ब्रेन चिप किसके द्वारा प्रत्यारोपित की गई? तो इंसानों में पहली ब्रेन चिप जो प्रत्यारोपित की गई, न्यूरालिंक के द्वारा। न्यूरालिंक के बारे में आपको बता दूं, एलॉन मस्क की कंपनी है जो ये कोशिश कर रही है कैसे जो जानवर हैं या फिर इंसान है उनके दिमाग में चिप लगाई जा सके और दिमाग में होने वाले जो भी एक्टिविटीज है उनको जाना जा सके। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 16वें वित्त आयोग में कितने पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति की गई है? तो इसमें 4 लोगों की नियुक्ति की गई, तो ऑप्शन ए इसका। ठीक है, तो 16वां जो वित्त आयोग है कौन से आर्टिकल के अंदर बनाया जाता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इसके द्वारा जो है 4 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लघु बाण जात द्रव कार्य योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो ये योजना कहाँ शुरू की गई? ये योजना शुरू की गई अपना ओडिशा राज्य में, ओडिशा। तो LABHA नाम की जो योजना है वो कहाँ शुरू की गई है? ओडिशा में। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चले, तो आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत से बढ़ने वाली है? तो ये बढ़ने वाली है कितने प्रतिशत से? लगभग 7% से। ठीक है, तो आर्थिक सर्वेक्षण होता है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो FRBM एक्ट है उसके अंतर्गत 2 तरीके के जो डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट को प्रस्तुत करने होते हैं पार्लियामेंट में, पहला क्या है? इकोनॉमिक सर्वे और दूसरा क्या है? बजट। तो इकोनॉमिक सर्वे पहले आता है, दूसरा जो होता है बजट। तो इकोनॉमिक सर्वे कुल मिला के इकोनॉमी की जो स्थिति है उसके बारे में बताता है, और जो बजट है ये बताता है कि अगले आने वाले जो अगला साल है, अगला फाइनेंशियल है जो अप्रैल से लेकर मार्च तक रहता है, उसमें गवर्नमेंट क्या कहाँ खर्चा करने वाली, कहाँ इन्वेस्टमेंट करने वाली। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चले, गेल ने किस देश के साथ 10 साल के लिए LNG खरीदने का समझौता किया? तो ये किसके साथ किया है? UAE के साथ। ये अरब जो भी देश है, यहाँ पे सऊदी हो गया, यहाँ पे UAE हो गया, तो इन देशों के साथ में भारत के अलग अलग समझौते हैं जहाँ से हम पेट्रोलियम, PNG, CNG ये सब लेते रहते हैं। तो गेल ने, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किसके साथ किया समझौता? UAE के साथ। किसके लिए? LNG के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चले, क्वेश्चन नंबर 11, खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में पहला स्थान किसने हासिल किया? तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में जो पहला स्थान हासिल किया है वो किसने किया है? अपना महाराष्ट्र ने। ठीक है, तो 2024 का जो खेलो इंडिया यूथ गेम है फर्स्ट, मतलब मेडल टैली में सबसे ऊपर कौन है? वो है अपना राज्य महाराष्ट्र। ठीक है, अगले क्वेश्चन चले, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 2024 के कार्यकाल में कौन सा बजट पेश किया? तो वित्त मंत्री सीतारमन ने ये अपना छठा, मतलब कि छठवां जो बजट है वो पेश किया है। तो ये आपके लिए एक क्वेश्चन है कि अभी तक, मतलब पिछले 70 सालों में कौन से ऐसे वित्त मंत्री हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा बार बजट प्रस्तुत किया है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चले, क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में भारत में कितने वेटलैंड को रामसर साइट में शामिल किया गया? तो कितने वेटलैंड को रामसर साइट में शामिल किया गया है? 5 वेटलैंड्स को रामसर साइट में शामिल किया गया। तो वेटलैंड क्या होते हैं? एक ऐसी भूमि जहां पे पानी की स्थिति लगातार बनी रहती है और यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी काफी ज्यादा रिच रहती है। तो इसी को मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के थ्रू क्या किया गया था, यहाँ पे एक रामसर कन्वेंशन है जहाँ पे ईरान में हुआ था 1971 में। इसमें क्या होता है कि एक रिकॉर्ड है जहाँ पे जो दुनिया भर के वेटलैंड है जिनको समस्या हो रही है या फिर इन्वायरमेंटल या फिर मानवीय कारणों से, उसकी एक लिस्ट बनाई जाती है। तो वहां पे किसको जोड़ा गया है? भारत के 5 वेटलैंड्स को जोड़ा गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलें, क्वेश्चन नंबर 14,
क्वेश्चन नंबर 14 की बात है, आरबीआई ने किस बैंक को ट्रांजैक्शन में रोक लगा दी है, तो किसमें, पेटीएम पेमेंट बैंक। पेमेंट पेटीएम के बारे में हमने अभी हाल ही में देखा था कि यहाँ पे क्या हुआ, बहुत ज्यादा मतलब मिसकंडक्ट हुए हैं, तो इसी को देखते हुए आरबीआई ने क्या कर दिया, इसको रोक लगा दी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चले, तो न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव किस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, तो न्यायमूर्ति जो बने हैं ये बने हैं झारखंड के। ठीक है, तो झारखंड के झारखंड जो हाईकोर्ट है उसके न्यायमूर्ति कौन बने, प्रदीप कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चले, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है कि उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ बनाया गया, तो ये बनाया गया कहाँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ज्ञानवापी कहाँ स्थित है जिसके जिसके तहखाने में जिला अदालत को पूजा करने की इजाजत दी है, तो जो ज्ञानवापी कहाँ है वो अपना कहाँ स्थापित है, ये वाराणसी में स्थापित है ज्ञानवापी। ज्ञानवापी कहाँ है, वाराणसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यूएचओ ने ट्रांस फैट को हटाने के प्रयासों के लिए कितने देशों को पुरस्कृत किया है, तो डब्ल्यूएचओ ने कितने देशों को पुरस्कृत किया है, डब्ल्यूएचओ ने पुरस्कृत किया है अपने 5 देशों को। ठीक है, तो डब्ल्यूएचओ के बारे में हम जानते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या करता है, दुनिया भर में जो भी हेल्थ रिलेटेड कंडीशन है उसको मतलब कि उसकी रिसर्च करता है, उसके रिलेटेड प्रोग्राम बनाता है, जो नेशनल गवर्नमेंट है उनके साथ मिलकर वो प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करता है। अब दूसरा है ट्रांस फैट क्या होता है, फैट दो तरीके के होते हैं, पहला होता है सैचुरेटेड, दूसरा अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड फैट होता है ये क्या होता है, इंसानों के लिए खतरनाक नहीं होता, लेकिन जो दूसरा अनसैचुरेटेड फैट होता है इसमें क्या होते हैं, फ्री रेडिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हार्ट रिलेटेड डिसीज जो होती है इसी के कारण होती है। ठीक है, तो इसी को मतलब घटाने के लिए डब्ल्यूएचओ कोशिश कर रहा है, और 5 देशों को उसने क्या किया, पुरस्कृत किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया, तो भारत के पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया है, मैंगलोर में। ठीक है, मैंगलोर भी कर्नाटक की एक सिटी है। अगला क्वेश्चन है, THDC इंडिया लिमिटेड द्वारा भारत की सबसे ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, तो ये कहाँ किया गया, उत्तराखंड में। ठीक है, तो ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड जो परियोजना शुरू की गई कहाँ, उत्तराखंड में स्थापना शुरू की गई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चले, क्वेश्चन नंबर 21 है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का आयोजन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है, तो ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों जगह किया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ए और बी दोनों। ठीक है, अगले क्वेश्चन पहले, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो भारत मोबिलिटी एक्सपो का जो आयोजन किया गया है वो कहाँ किया गया है अपना, ये किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, तो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 कहाँ आयोजित किया गया है, दिल्ली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उंगलई थेडी उंगल ओरियल योजना किस राज्य में शुरू की गई, तो ये शुरू की गई कहाँ, उत्तर प्रदेश में। काफी अजीब सा नाम है इस योजना का। अगले क्वेश्चन पहले, इंटरनेशनल वुशू फेडरेशन के द्वारा महिला एथलीट ऑफ ईयर 2023 किसे चुना गया है, ये तो इसको तो किनको चुना गया है, ये अपना नाओरेम रोसी बीना देवी, कौन है इनका, थोड़ा सा नाम उच्चारण करने में दिक्कत आ रही मुझे, तो ये रोसी बीना देवी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय नौसेना के द्वारा किस वर्ष को नौसेना असैन्य वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, तो नौसेना असैन्य वर्ष 2024 को, 2024 को नौसेना असैन्य वर्ष के रूप में क्या किया गया है, घोषित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में किसने शपथ ली है, तो ये है संजय वर्मा, जिन्होंने यूपीएससी के नए सदस्य के रूप में शपथ ली है। ठीक है, यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये आर्टिकल 324 से लेकर 329 के बीच में पाई जाती है, पार्ट या फिर 15वां या फिर 16 है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चले, सूर्यकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले की शुरुआत कहाँ की गई, तो सूर्यकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले की शुरुआत की गई कहाँ, हरियाणा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वेब पोर्टल सी केयर्स का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, तो वेब पोर्टल सी केयर्स का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, प्रहलाद जोशी के द्वारा। तो ये एक पोर्टल है जिसकी शुरुआत किसने की है, प्रहलाद जोशी ने। भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर कौन बने, तो भारत सरकार के जो मुख्य हाइड्रोग्राफर है वो बने अपने लोचन सिंह पठानिया भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर बने। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलें, तो जो आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किस बीमारी के उन्मूलन के लिए वार्षिक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया गया, तो शुरू किया गया इसके लिए फाइलेरिया के लिए। तो ठीक है, आज के वीडियो में हम 30 क्वेश्चन तक ही डिस्कशन को रखते हैं, धीरे धीरे बाकी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मिलते जाएंगे, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वीडियो को अच्छे से देखें, इसके नोट्स बना लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। तो आज के लिए थैंक यू।